संजय की मौत पर उठे सवाल, परिवारजनों ने लगाया आरोप। संजय सिंह पुत्र पूरन चंद्र निवासी कोलारा खुर्द थाना शमशाबाद की मौत पर परिवारजन लगातार सवाल उठा रहे हैं, जिसके चलते चंद्रपाल उर्फ सीपी पुत्र हरिशंकर, जितेंद्र उर्फ गुड्डू पुत्र कप्तान सिंह, हरिशंकर पुत्र कप्तान सिंह निवासी धिमसरी आगरा के खिलाफ धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। परिवारजन लगातार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिवारजनों का कहना है कि कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस मामले में दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आपको बताते चलें कि परिवारजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि करीब एक महीने पहले मृतक संजय अपनी जिम्मेदारी पर अपने मामा के लड़के चंद्रपाल को ओम शांति कोल्ड स्टोरेज से 11 लाख रुपये अपनी जिम्मेदारी पर दिलवाए और कुछ दिनों के बाद 4 लाख रुपये और घर से दिए। जब मृतक संजय ने अपने पैसे वापस मांगे तो चंद्रपाल उर्फ सीपी ने ना तो कोल्ड स्टोरेज स्वामी और ना ही संजय के पैसे वापस किए, जिसके चलते मृतक संजय लगातार तनाव में रहने लगा और फिर एक दिन संजय ने विषाक्त खा लिया। हालांकि उन्हें आनंद फानंद में जीआर हॉस्पिटल ले जाया गया और उसके बाद उन्हें एसएमएस अस्पताल जयपुर में भी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। संजय की मौत से परिवार में कोहराम मच गया, पूरा परिवार सदमे में है। मृतक संजय अपने पीछे 3 बेटी और 1 बेटा छोड़ गया है। परिवार लगातार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। सर कहाँ के निवासी है? कोलारा खुर्द जी। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला सर यह है कि मेरा भाई, मैं तो यहाँ था नहीं सर, मेरा भाई गया था पैसे मांगने के लिए धिमसरी अपने मामा के पास। क्या नाम है भाई का? संजय सिंह जी। वहाँ मामा से कुछ वारदात हुई है, कहा सुनी आपस में, उन्होंने पैसे देने की मना कर दी कि हमारे पास कुछ नहीं है। कौन है ये मामा और क्या है पैसे? गुड्डा हरिशंकर सीपी धिमसरी। तो कितने पैसे का लेन देन था, क्या है पूरा? स्टोरेज साहब उसने 11 लाख रुपए दिलवाए थे, इन्होंने रिकवरी का बहाना लिया था उससे, हमारी बैंक से रिकवरी निकल गई है केसीसी। हाँ, उसका बहाना लिया था, तो 11 लाख रुपए उसने स्टोर से दिलवाए थे, 4 लाख रुपए उसने घर से दिए थे इसको मामा को, 15 लाख रुपए है हमारे सब। पैसे मांगने के लिए गया था, दारू फारू पिला के उल्टा सीधा मतलब काम करके और उसे मतलब कर दिया ख़त्म, हार में बेहोश करके उसे डाल गए। यहाँ से लड़के पढ़ के गए, जब मालूम पड़ा है, जब फ़ोन किए इधर उधर के, वो हार में पड़ा होगा, यहाँ है वहाँ है, तो उनको ही सर मिला है लड़कों ने, हारों को खोजा है खेतों पर, लड़कों को मिला नहीं है। जिस दिन घर से गए थे तो उन्हीं के साथ थे? घर से गए थे तो यहाँ से कह के गया कि मैं धिमसरी तगादे के लिए जा रहा हूँ मामा से पैसे लेने के लिए, आज का मेरा वायदा है। ठीक। उसके बाद फिर अंतिम बार कब मिले? अंतिम बार सब मिला शाम को 11 बजे हमको। कैसे पता चला आपको? आपको लड़के ने फ़ोन किया था कि यहाँ पर आए कि यहाँ नहीं आए, यहाँ से तो गया कि कहाँ गया कि नहीं, हमको पता है कहाँ गया है। फिर उसने ही लड़की पर फ़ोन किया है, लड़की का फ़ोन आया है, जब मतलब उसकी ढूंढा डकोरी की है, फिर इनको ही मिला है, लड़कों ने सब देख लिया है वहाँ पर खेत पर, वहाँ पर लड़कों को नहीं मिला है वो, फिर ये आ गए वहाँ से गुड्डा और सीपी दोनों, इन्हीं को वो मिला है कि ये पड़ा है यहाँ पर, तो लड़कों को बोला है जो लड़के वहाँ से वहाँ गए हैं सर। क्या लगता है? हैं आपको क्या लगता है? हमको ये लगता है कि इन्होंने ही उसको दवाया पिलाई है, क्योंकि जब हमने वहाँ पर देखा है खेत पर, हमको नहीं मिला है, इन्हीं को वो क्यों मिला है, इनको पता है कुछ ना कुछ, जब इनको मिला है वो। तो जब आपको मिले थे वो मृत अवस्था में थे? हाँ, बोल नहीं पा रहा था सर, मुंह से झाग निकल रहा था, नाक से झाग निकल रहा था, ये बोल रहे थे लड़कों से कि दारू पी लिए इसने ज़्यादा, इसको घर पर ले जाओ, कुछ नहीं है। लड़कों ने कहा जब बदबू आई है जब कि इसने दवा पी ली है, जब लड़के लेके गए एक साहब घर को, वहाँ से भाग गए। मुकदमा दर्ज करवाया गया है कि? हाँ, मुकदमा दर्ज फिर हमने इनके नाम से करवाया, वहाँ तक हमारे पास भी नहीं गए। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है सर। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए। तोमर सुजान सिंह तोमर। कहाँ के निवासी हैं? गांव बैठा। ये क्या पूरा मामला है? ये मेरे जीआई लगते हैं, इनका जो है अपने मामा जी से कुछ झगड़ा हुआ था, कुछ इन्होंने पैसे की गारंटी ली थी, उसके चक्कर में कुछ झगड़ा हुआ और आगे विवाद बढ़ा, तो उसके कारण जो है उन्होंने दवा पिलाई और खेतों में डाल गए। कितने पैसे का लेन देन था? 11 लाख रुपये कोल्ड स्टोर से लिए, 4 लाख रुपये घर से ले गए। क्या कह के पैसे लिए? मौत का क्या कारण है? मौत का कारण है दवा, प्रेशर दवा बनाया इनके ऊपर। तो वही सूचना थाने में दी गई है? थाने में सूचना दे दी गई, FIR कराई, 306 का मुकदमा है, जिसके कारण जो पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं अभी तक। क्या लगता है आपको क्यों पुलिस कार्रवाई नहीं? पुलिस ने उनसे रिश्वत ले रखी है। किन लोगों को इनमें दोषी माना गया? इन लोगों सीपी और उनके दोनों चाचा और वो पापा। कहाँ के निवासी हैं? गांव धिमसरी।
तो पुलिस अब पूरे मामले में क्या कह रही है? अभी कुछ नहीं कह रही है, करते हैं कार्रवाई करते हैं, अभी तक 4-5-6 दिन हो गए, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं। आप क्या चाहते हैं? कानून से न्याय चाहते हैं।